हेलो दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर दिल से प्रणाम दोस्तों, क्योंकि हमारे वीडियो आप लोग देखते हैं दोस्तों। और आज का वीडियो है तो वो आप लोग टाइटल और थंबनेल तो देख के आप लोग जान ही गए होंगे दोस्तों कि काफ़ी मज़ा आने वाला है। हम इसी तरह के प्रकार का वीडियो बनाते रहते हैं। तो दोस्तों, जितने भी हमारे भाई जो पुराने लोग देख रहे हैं उन लोगों से थैंक यू यार, जो आप लोग वीडियो देखते हुए भी क्लिक करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से हमारे भाई जो है टीचर की आवाज़ निकालते हैं और बनाते हैं। तो दोस्तों, टाइटल में जिस तरह का आप लोग देखे कि अब हर कोई निकालेगा टीचर जैसा आवाज़ पेन की ढक्कन से दोस्तों, और ये सच है दोस्तों, और एकदम सेम टू सेम आप लोगों को घरों में पेन भरा होगा पुराना, और उसमें से जो ढक्कन लगा हुआ होगा और उसी से ही हम लोग पेन का ढक्कन से आवाज़ टीचर का निकालेंगे दोस्तों, और काफ़ी मज़ा आने वाला है दोस्तों। तो चलिए वीडियो में आप लोग बने रहिए। तो चलिए हम लोग बताते हैं दोस्तों कि किस तरह से पेन के ढक्कनों को हम लोग को बनाना है। तो दोस्तों, बहुत तरह का जो होता है पेन जो ख़राब रहते हैं और उसमें ढक्कन रहता है दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे कि उस ख़राब वाला पेन का ढक्कन को हम लोग निकालेंगे। जैसे कि चलिए मान लीजिए कि इसमें सभी है, तो दोस्तों कोई कोई तो चलता है, तो चलने वाला का कलम का ढक्कन निकालेंगे तो फिर रखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो उसको हम लोग क्या करेंगे रख देंगे। तो चलिए दोस्तों, हम एक ख़राब वाला जो है उसको निकालते हैं दोस्तों, और पहले चेक कर लेते हैं ताकि जो चल रहा होगा। तो दोस्तों ये तो है ही, चल रहा है दोस्तों, इसको हम नहीं करते हैं। दूसरी कलम निकाल करके देखते हैं, चलिए इसको देखते हैं। तो इसको चलिए देखिए फटाफट जो है। और दोस्तों, जो पहले 2 रुपया वाला कलम मिलता था वो देख सकते हैं, इसके कलम का ढक्कन का आवाज़ जो है एकदम बहुत सारे बहुत सुंदर मीठा आवाज़ निकलता है दोस्तों, एकदम मेदिन बोलिए तो मेरा या फीमेल के जैसा एकदम इजी निकलता है, तो बहुत मस्त निकलता है। तो आप लोग अगर ज़्यादा बनाने का प्रयोग करें तो इसको बना सकते हैं, लेकिन हम अगर इसको बनाएंगे और जल्दी बनाएंगे दोस्तों तो आप लोग समझ नहीं पाइएगा और बोलिएगा कि भैया आप तो थोड़ा सा ख़राब वाला बताइए, ताकि जो हम लोग है उसको देख के जान सकते हैं। जब ख़राब को बनाने के लिए जानेंगे तो जो अच्छा जो है उसको तो जल्द बनाने सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम फटाक से निकालते हैं एक कलम का ढक्कन। तो देख सकते हैं आप कि इसका कलम का ढक्कन निकालें दोस्तों, पूरा मज़ा आने वाला है दोस्तों, पूरा वीडियो देखते रहें आप लोग। तो चलिए एक कलम का ढक्कन निकालते हैं और चलिए इसको हम बनाते हैं दोस्तों। तो ये सारे कलम को हम रख देते हैं, जो देख सकते हैं आप लोग के सामने जो कलम का ढक्कन निकालें दोस्तों, देख सकते हैं इसमें टंगना भी है, टांगने वाला। तो चलिए इसको हम रखते हैं। तो दोस्तों, आपके पास एक कलम को ढक्कन को बनाने के लिए एक चाकू को प्रयोग करना है दोस्तों, जो आप लोग किचन में आप लोग को सारा जगह उपलब्ध है, और आप लोग किचन से निकाल सकते हैं एक चाकू, जो हमेशा हम लोग भाई लोग रखते हैं किचन में, तो मिलता ही मिलता है। और चलिए, अगर ये नहीं है तो आप जो ब्लेड होते हैं दोस्तों, ब्लेड को भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम चाकू से इसको प्रयोग कर काटना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, इसका साइड में जो है इसको हम सबसे पहले साफ करेंगे ताकि जो है डिस्टर्ब ना हो बजाने में। तो चलिए हम इसको काटते हैं दोस्तों, इसको अच्छे तरह से काटे भाई, नहीं तो पैर हाथ लग जाएगा यार। तो देख सकते हैं इसको हम काट रहे हैं, देखिए दोस्तों इसको अच्छे तरह से काटना है, और अंदर के साइड नहीं काटिएगा। तो इसको काटना है क्योंकि ब्लेड से आप लोग काट सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा वो काटने में जूत नहीं मिलता है दोस्तों, इसके वजह से हम इसे काट रहे हैं। देखिए, आधा काटने के बाद इसको हम तोड़ दिए और ये हो गया एकदम प्लेन। अब इसको देखते हैं बजा कर। आप लोग बोलिएगा भैया अब तो बन गया, इसको खाली बजाना है, हम समझ गए। नहीं भाई, अभी बना नहीं है, आप लोग को वीडियो छोड़ के भागना नहीं है, आप लोग पूरा वीडियो देखिए, और भी अब बहुत तरह का आप लोग का तरीका बताएंगे बजाने के लिए। तो चलिए इसको हम बजा के पहले देखते हैं, इसको तोड़ देने से क्या बजेगा फीमेल के जैसा। चलिए बजाते हैं। तो दोस्तों, किस तरह के हम लोग जो हैं बजाते हैं कभी कभी, ऐसा बजाने से तो दोस्तों तीतर नहीं आवाज़ देगा बल्कि लड़कियों आवाज़ देंगे और पटेंगे, अगर थोड़ा सा स्मार्ट होंगे तो, है ना। बूढ़ा बुजुर्ग पटाएंगे तो बोलेंगे तो भैया ये बूढ़ा चाचा का आवाज़ कर रहा है, अभी का समय है, इसको देखो पहले आपने आपको आईना में देखा है कि नहीं देखा है, जो इस तरह का सीटी बजा रहा है यार, ये कुछ उम्र के लिहाज वहाज है कि नहीं भाई, ऐसा बोलेंगे। तो उस तरह का नहीं बजाना है, बहुत तरह का हम लोग जो है भाई बजाने जानते हैं, लेकिन हम लोग को बजाना है एकदम फीमेल तीतर के जैसा, मेदन तीतर जैसा। और दोस्तों, अगर इस सिटी को आप लोग को बजाने के बाद अगर जंगली तीतर आवाज़ नहीं देंगे तो हमारे ज़िंदगी भर के लिए चैनल में हम कभी नहीं आप लोग के पास आएंगे, ये हम आप लोग के पास वादा करते हैं दोस्तों। तो जितने भी भाई देख रहे हैं, हम चैलेंज के साथ आप लोग को किए हैं, और आप लोग की सिटी को जाके सिटी को जो है जंगल में जाके बजाइएगा, और कौन सा महीना में उसको भी बताएंगे, ज़्यादा चांस देंगे। अब भैया देखिए, बारिश बहुत रहेगा, बहुत सारे धूप रहेगा,
और ऐसा मौसम रहेगा कि जिस दिन नहीं आवाज़ देंगे उस दिन बजाइएगा और फिर कमेंट लिखिएगा। तो मेरा तो भैया चैनल तो गयो काम से, तो भैया हम समय भी देंगे, उस समय से भी आप लोग बजाइएगा 100%। ऐसा भी होते हैं दोस्तों, कभी कभी तो दौड़ के भी आएंगे आपके पास, लेकिन हम लोग पीकर नहीं है, इंसान है, भाग जाएंगे, है ना। ये तो आप लोग ये नहीं सोचिएगा भैया ऐसे करके बजात रहेंगे और तीतर दौड़ के अगर पकड़ेंगे और उसके बाद उसको छोड़ देंगे। तो भैया देखिए कोई भी है भाई, आप लोग जिस तरह से भी किसी तरह से करके अगर टीचर को जान से मारते हैं, और बहुत सारे भाई लोग सेल कर रहे हैं, तो वो लोग तो बहुत तरह से निवेदन है दोस्तों कि उसको उस तरह का ना करने दें। पक्षी है तो हम लोग हैं, पक्षियों जब आवाज़ देते हैं तो काफ़ी हम लोग को अच्छा लगता है हृदय में। तो दोस्तों यही बात है। और जो कीड़ा जो होते हैं दोस्तों, हम लोग जब खाना खाने के लिए बैठते हैं, थोड़े से भाई देख लीजिए वीडियो को, इस बात को थोड़ा सा बता रहे हैं कि देखिए जब हम लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं तो कितने अच्छे साफ सुथरे खाना हम लोग को मिलता है। अगर पक्षी नहीं रहेंगे दोस्तों तो सारे खाना में जब हम लोग को कीड़े मिलेंगे भाई, और हम लोग कीड़ों को खा के हम लोग को जीना पड़ेगा, और कीड़े खाएंगे तो पेट में कीड़ा होंगे तो भैया तुरंत तो लुढ़क जाएंगे, ये तो 100% है। तो भैया सोच लो, तो पक्षियों को बचाना है भैया, एक दो मार के खा जाते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भैया दिन रात यार उसी शाम सुबह शिकारी लोग जाते हैं और पकड़ के खाने लगते हैं, सेल करते हैं। उन लोगों से भैया शिकार करते हैं कोई बात नहीं, हम सिर्फ नाराज नहीं कर रहे हैं, आप लोग गुस्सा मत मानिएगा भैया का बोल रहे हैं, लेकिन आपकी मर्जी, लेकिन आप थोड़ा सा देखिए जैसे भी हमारे बाल बच्चे हैं उस तरह का है। तो इसी बात है, अगर हमारे बाल बच्चे को कितने हम लोग प्यार करते हैं, उस तरह का पक्षी भी प्यार करता है दोस्तों, ये आप लोग ठान लीजिएगा। मतलब कि बात यही है कि वो पक्षी दिख रहा है और हम लोग जान तो जान एक ही होता है भैया। तो दोस्तों अगर आप लोग से अगर कुछ गलत बात बोले होंगे तो आप लोग माफ़ कीजिएगा, लेकिन आप लोग से जो है आप लोग को समझा रहे हैं कि भैया पक्षी है तो हम लोग हैं, और पक्षी नहीं रहेगा तो हम लोग नहीं रहेंगे, ये समझ लीजिए। तो चलिए हम आप लोग को बताते हैं कि किस तरह का जीमेल के जैसा आवाज़ निकालना है दोस्तों। तो चलिए फटाफट जो है हम इसको बनाते हैं और दिखाते हैं मैदन चित्र के जैसा आवाज़। तो चलिए इसको काटते हैं। तो दोस्तों ये थोड़ा सा बड़ा होता है, तो अभी देखिए जिसे बजाएं हम ऐसा बज रहा है, और ये काफ़ी मोटा बज रहा है। तो आप लोग को पता है कि अगर इस तरह का हम बजाएंगे तो ये लगेगा, देखिए कभी मोटा कभी पतला आवाज़ दे रहा है दोस्तों। तो इससे कंफर्म होता है दोस्तों कि ये जो है 1 किलो 2 किलो 4 किलो 5 किलो नहीं तो 10 किलो का तीतर का आवाज़ है भैया। तो जंगल में सोच लो 10 किलो का तीतर कहाँ मिलेंगे, तो नहीं आएंगे, सिंपल सी बात, डर के उड़ जाएंगे, इसी तरह बसता है। मत देखिए वीडियो, जाइए भैया जब झूठ बोल रहे थे, नहीं भाई सच बोल रहे थे, अभी बना के दिखाएंगे। तो देखिए फिर कैसा बज रहा है कभी कभी। तो चलिए इसको फटाफट काटते हैं दोस्तों, काफ़ी लंबा हो जाता है वीडियो। तो भाई बहुत दिन के बाद ही आए हैं, तो प्लीज़ यार एक लाइक या एक सब्सक्राइब नहीं हो तो कर दिया कीजिएगा। तो चलिए फटाफट इसको हम बनाते हैं। तो दोस्तों इसको जो है ऊपर से कहीं छोटा छोटा करके इसको मेकअप देखते जाना है कि फीमेल के जैसा कब आवाज़ निकलता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसको काटते हैं, देखिए चाकू इससे बढ़िया से काटिएगा भैया, उंगली लग जाएगा यार, आराम से काटिएगा। देखिए हम अभी काट रहे हैं, इस तरह से रगड़ रगड़ के काटते हैं। तो दोस्तों देखिए काट चुके हैं और काफ़ी धार है यार, बच गए लगते लगते। तो दोस्तों बहुत थोड़ा सा बच गए तो लग जाते हुए, देखिए किस तरह से कट गया था। प्लीज़ यार ऐसा मेहनत करके आप लोग के लिए वीडियो बनाते हैं तो आप लोग को थोड़ा सा मिलना चाहिए, क्योंकि आप लोग लाइक करते हैं ना, उससे हम लोग को जो है मोटिवेशन बढ़ता है दोस्तों, और दिल बहुत ज़्यादा करता है कि मेरे भाई लोग के लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाएं और डालते ही रहें, मतलब कि अच्छा लगता है बनाने के लिए। और कभी लाइक नहीं व्यूज नहीं आते हैं ना, मन ही नहीं करता यार बनाने के लिए वीडियो, मन नहीं करता क्या होगा। बहुत सारे देखते हैं कि कितने मिलियन में व्यूज आते हैं, कितने आते हैं देखते हैं। तो भैया एक लाइक कीजिएगा, शायद उससे वीडियो को थोड़ा सा इंप्रेशन मिल जाए और आगे तक बढ़ जाए, आदमी को लगे कि अच्छा, तो भाई अच्छा लगेगा तभी करना, खराब रहेगा तो नहीं। और लाइक अगर ताकत लगता है भैया लाइक नहीं कीजिएगा तो भी हम भाई लोग आपका खुश हैं, हमेशा खुश रहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि हम अपने भाई लोग की वीडियो बनाएं, एक दो भी व्यूज आता है ना काफ़ी खुश लगता है कि मेरे भाई लोग देखते हैं, अच्छा लगता है क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा काला है, मैंने अच्छा लगता है भैया, यही बात है। तो चलिए इसको हम फिर से काट के देखें, अपना छोटा सा छोटा किए हैं, आप बजा के देखते हैं कि कैसा आवाज़ निकलता है। काफ़ी इतनी कुछ लाइन में आया है दोस्तों, तो इसको चलिए फिर थोड़ा सा काटते हैं।
और दोस्तों आपको जो है इस सीडी को बनाकर और अभी आप लोग को लाइव बाय लाइव दिखाएंगे कि तीतर आवाज देंगे कि नहीं देंगे। अभी आप लोग को तीतर को सुना के दिखाएंगे दोस्तों इस सीटी से, और आप लोग को लाइव दिखाएंगे। बाकी बात आप लोग को लगेगा वीडियो में कि भैया भाई तो जो है वो फेक बता रहे हैं, आपने किसने मोबाइल से भी बजाए होंगे, चाहे कहीं पालतू तीतर की भी आवाज़ देकर बुलवाएंगे, लेकिन उस तरह का आप लोग बनाइएगा और जंगल में बजाइएगा दोस्तों। बोल दिए ना आप लोग, चलिए इसको हम काट बनाएंगे दोस्तों, और आप लोग को भी सुना के दिखाएंगे। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आपको मेल तीतर आवाज़ इससे सुनने को मिलेगा दोस्तों जंगल में, और मेल तीतर जो होते हैं वो दौड़ के भी आएंगे नर तीतर। चलिए इसको हम जो है काटते हैं दोस्तों, छोटा सा कट गया, ये देख सकते हैं आप, देखते हैं बजा के तीतर बजा। अभी भी दोस्तों मोटा है, लेकिन इसको हम आप चक्कू से नहीं काटेंगे क्योंकि ज़्यादा थोड़ा सा कट जाएगा, तो इसलिए अभी ब्लेड से प्रयोग करेंगे दोस्तों। तो चलिए हम चक्कू को रख देते हैं, देखिए दोस्तों अभी जो है हम ब्लेड का प्रयोग कर रहे हैं। भाई ब्लेड को थोड़ा सावधान से काटिएगा, आराम आराम से इसको छोटा करना है दोस्तों। तो इसको हम छोटे छोटे कर रहे हैं, फटाफट देख लीजिए इस तरह से आप लोगों को छोटा करते ही जाना है, करते ही जाना है, ताकि थोड़ा सा फ्लेम जो है अच्छा तरह से हो, और यहाँ ओंठ में दबाना हो। थोड़ा सा आज सिखाएंगे दोस्तों किस तरह से ओंठ में करना है और बजाना है। एक बार देखते हैं दोस्तों फूक के, ठीक लग रहा है दोस्तों अभी, लेकिन और थोड़ा सा करते हैं तो परफेक्ट निकलना चाहिए, एकदम सेम टू सेम निकलना चाहिए दोस्तों। चलिए दोस्तों इसको हम बजाते हैं अच्छे से, चलिए दोस्तों ये हो गया है तैयार और इसको हम बजाते हैं, और आप लोग थोड़ा सा सुनिएगा इसका आवाज़ कि किस तरह से बज रहा है, और आप लोग बजाने के बाद उसके बाद आप लोग को तीतर सुनाएंगे। दोस्तों देख सकते हैं कि फिमल के जैसा आवाज़ निकला आप लोग के पास लाइव लाइव। तो चलिए हम जंगल की वजह चलते हैं और आप लोग को दिखाते हैं कि तीतर कैसे आवाज़ देते हैं। चलिए दोस्तों आप भी थोड़ा सा हल्ला नहीं करेंगे क्योंकि इधर बहुत सारा मतलब झुंड है, झाड़ी है, और हम झाड़ी की तरफ आए हैं दोस्तों, और जो है अभी हम इस सिटी को लेकर आए हैं दोस्तों। और चलिए अभी आप लोग के सामने इसको बचाएंगे और सुनाएंगे, क्योंकि इधर पास पास में बहुत सारे तीतर हैं। अब देखिए नर मेदा बोलता है कि फीमेल बोलता है वो तो हमको नहीं पता है, लेकिन आप लोग को पास अभी बजा के और हम बताएंगे और सुनाएंगे कि भैया भाई झूठ बोलते हैं क्या करते हैं, लेकिन आप लोग इसको जंगल में जाके बजाइएगा दोस्तों। और अगर पहले भी बजाए हैं तो प्लीज़ यार एक कमेंट करके बताइएगा, उससे हमको पता चलता है कि मेरे भाई लोग पूरा विश्वास करते हैं और देखते हैं और जानते हैं और इसको पता है, तो कमेंट भी लिख दीजिएगा यार। तो चलिए इसको हम बजाते हैं, है ना।
तो आप लोग देखा ना दोस्तों, हमने आप लोग को सामने लाइव भाई लाइव भी यार दिखाया। तो प्लीज़ यार लोग वीडियो को फेंकना समझिए, बहुत कोई ऐसा होते हैं जो करते हैं। लेकिन दोस्तों बहुत कोई भाई लोग ना हमको बहुत डिमांड करते हैं यार कि आप कैसा कैसा बना रहे हैं पंछी को मारने का बता रहे हैं। तो भैया ऐसा वीडियो मारने का नहीं है, अगर पंछी से अगर आप प्यार करते होंगे तब जानते हैं कि हम क्या बना रहे हैं और किसके लिए बना रहे हैं। पंछी से अगर आप प्यार होता तो इस तरह का आप नहीं करते, लेकिन आप साइंस को प्यार नहीं करते, समझ नहीं रहे हैं। पंछी को आप कभी पालते हैं उसके बारे में समझते हैं, सब इंसान एक जैसा नहीं है। किसी किसी को भाई लोग को बहुत ज़्यादा, किसी को तोते वगैरह होते हैं उसको पालते हैं घर में, उसको शौक होता है। किसी मैने वगैरह को पालते हैं, मतलब बहुत प्रकार के पंछियों हैं उसके पाल कर उन लोग को मन खुशी आता है, अच्छा लगता है। खुला में पालते हैं यार, वो दौड़ते हैं उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं, जैसे कि उसके मम्मी पापा हैं उसके तरह पंछी लोग दौड़ते हैं, है ना भाई, सही है ना। तो उसी तरह इस तरह पक्षी की तरह पालते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा पालते हैं, बहुत देशों में अलग अलग देशों में पालते हैं। उन लोगों के लिए थोड़ा सा ज्ञान देते हैं कि ताकि पक्षी को पालते हुए भी कुछ उसकी मृत्यु ना हुए और वो बच जाए। और जैसे कि हम लोग मान लीजिए, हम सिंपल सी बात बोलते हैं भाई, अगर आप देख रहे हैं थोड़ा सा मेरी बात सुन लें, अगर सुनिए, पक्षी का तो जान एक है, मेरे जान और उसका जान एक है मान लीजिए, लेकिन उसके आवाज़ जो है ना, हमारे अगर लैंग्वेज वो दूसरा है। हम लोग मान लीजिए कुछ भी, हम लोग टमाटर को टमाटर कहते हैं, लेकिन तीतर जो है कुछ अलग बोलता होगा। हम लोग पैसा को डॉलर बोलते हैं, पैसा बोलते हैं, रुपया बोलते हैं, लेकिन तीतर लोग का कुछ अलग पैसा होगा ना भाई, उसका दूसरा कुछ लैंग्वेज होगा। तो उसके तीतर का अगर लैंग्वेज हम लोग जान जाएँ, तो तीतर को जो पक्षी है, तीतर पक्षी को हम लोग उसका लैंग्वेज जान जाए, तो उसको पता चल जाएगा कि बंदा जो है ये हमको नहीं मारेगा। देखो मेरे लैंग्वेज में बात कर रहा है, मतलब उसको पूरा तरह से विश्वास हो जाएगा कि ये बंदा जो है ये सच बात बता रहा है। मतलब मेरे लैंग्वेज से उसको बताएंगे तब तो समझ पाएंगे। अगर आप लोग मान लीजिए, अगर मान लीजिए आप झारखंड का है, मान लीजिए एग्जांपल बोलते हैं, और आप चल जाइएगा गुजरात, मतलब कि मान लीजिए तमिलनाडु, तो तमिलनाडु का लैंग्वेज जो है इंसान है, लेकिन वो दूसरा तरह का शायद इंसान है, तो भैया वहाँ से मुँह से किसी तरह इशारा करके समझा देगा, लेकिन पंछी जो है ना वो कभी नहीं हो सकता, उसके उसका लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। अपना जमीन आसमान का फ़र्क है सीखने के लिए, लेकिन हम एक भाई जो हैं हम बताते हैं आप लोग को सिखाने के लिए। तो दोस्तों आप तो समझ ही गए होंगे मेरे बात लेके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। तो चलिए बाय बाय।